नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। कल मोदी जी ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बहुत लंबा और विस्तृत संबोधन दिया संसद में, और उनके संबोधन के बाद बहुत सारे लोग उन पर विश्लेषण कर भी रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा भाषण था, कुछ लोगों ने उनके भाषण में कमियां निकाली, और कुल मिला जुलाकर उनका भाषण कैसा था, ये आज हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोगों के बीच में आज मुख्य अतिथि के तौर पर श्री रामेश्वर मिश्र पंकज जी हैं, जो दार्शनिक हैं, राजनीतिक विचारक हैं, सामाजिक दृष्टा हैं और इतिहासकार हैं। इनके अलावा इनकी लगभग 22 पुस्तकें भी छप चुकी हैं। हम सबसे पहले उन्हें आमंत्रित करते हैं। रामेश्वर जी, आपका नमस्कार है। नमस्कार। और आपका स्वागत है राष्ट्र समर्पण के इस चैनल पर। धन्यवाद। इसके साथ ही हम अब एक और अतिथि का स्वागत करेंगे। उनका नाम है अपर्णा झा जी, जो स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर कार्यरत हैं और हम लोगों के साथ इस सेशन में पूरे समय तक रहेंगी, और इनके भी कुछ सवाल होंगे और रामेश्वर मिश्र जी से वो लेकर के बातचीत करेंगे। तो रामेश्वर जी, सबसे पहले तो आपसे हम एक सवाल आते आते ही पूछना चाहेंगे। कल नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा जबरदस्त संबोधन किया और लोगों को बहुत अच्छा भी लगा, हालांकि कांग्रेस वालों को तो अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन आपने एक ट्वीट किया जिसमें आपने कहा कि यह भाषण बड़ा अद्भुत है, इसके साथ ही आपने दो कमियां भी गिना दी जी। तो आपके नजर में पूरा भाषण का सार क्या है, आप उसको कैसे देखते हैं? मोदी जी का कल का भाषण सब प्रकार से अद्वितीय है। मैं चूंकि लगातार राजनीति में बचपन से देशभक्ति के कारण राजनीति को भी देखता रहा हूं राष्ट्र की, तो भारत का ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है जिसके सभी मुख्य भाषण हमने न सुने हों, और विपक्ष के नेता भी, तो विपक्ष के नेताओं के भाषण भी सुनता रहा हूं। तो जैसा जितना व्यवस्थित तर्कपूर्ण तथ्यपूर्ण भाषण मोदी जी ने दिया बड़े इत्मीनान से, वैसा भाषण आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया है। अटल जी का भाषण बहुत प्रभावशाली होता था, काव्यात्मक, और उसमें चोट बहुत होती थी, एक एक बहुत ही बड़ा विजन होता था, लेकिन वो एक बड़प्पन से इतने, मतलब सदा ही वो उनका पोस्चर कुछ उदार और बड़प्पन से भरा होता था। उसमें जो राजपुरुष की तेजस्विता है वो उनके जीवन में थी अटल जी के, लेकिन भाषण के समय वो प्रायः सौम्यता पर ज़्यादा ध्यान देते थे। मोदी जी का भाषण जो है वो बहुत व्यवस्थित तर्कपूर्ण, एक एक जो इन लोगों के तथाकथित आरोप थे या प्रश्न थे या आक्षेप थे, उनका व्यवस्थित खंडन और उसको जिसे कहते हैं धूल धूसरित कर देना, धज्जियाँ उड़ा देना, और साथ ही अपने पक्ष की अत्यंत सशक्त प्रस्तुति। और एक तो इतना इतने विस्तार से बोलना, ये भी बहुत ही कम प्रधानमंत्री कर पाते हैं। 2 घंटे से अधिक, लगभग 2.25 घंटे उन्होंने बहुत व्यवस्थित ढंग से बोला, एक बार भी वो विषय से इधर उधर नहीं गए, और ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो विपक्ष ने उठाया हो और जिसका उन्होंने उत्तर नहीं दिया हो। तो ये एक तो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो प्रायः है इधर हमको एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते खटकती थी, कि भाजपा के लोग कोई जो इस समय के जो विरोधी दल हैं, जो कि संपूर्ण भारतीय इतिहास में सबसे कमजोर, और जितना मैंने बहुत से लोगों से बात की है जिनका संघ भाजपा से कोई संबंध नहीं है, और विदेश में भी हमारे मित्र हैं उनसे भी बात की है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, सबका ये मत है कि ये इस समय भारत में जो विपक्ष है वो उसमें भारतीय कुछ नहीं है, वो लगभग अराष्ट्रीय हो चुका है और भाजपा के विरोध में अंधा होकर राष्ट्र विरोधी हो गया है, देश विरोधी। उसके संबंध विदेश में जो भारत द्रोही लोग हैं उनसे तो देखे जा सकते हैं, लेकिन देश के भीतर की जनता से, उसके मन से उनका कोई संबंध नहीं है। और ये आश्चर्य करते थे वो लोग कि ये भाजपा वाले तो ऐसे नरम रहते हैं कि जैसे कि मतलब कोई बराबरी से जवाब दे रहे हों। तो कल मोदी जी से मैं जो सबसे ज़्यादा खुश हुआ कि पहली बार उन्होंने अपने भाषण के द्वारा ये दिखा दिया कि ये जो विपक्ष के लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, ये लोग हर तरह से बौद्धिक रूप से बौने हैं, आचरण से तो भ्रष्ट हैं ही, भ्रष्टाचार का इनका रिकॉर्ड जो है वो भी उन्होंने गिनाया, लेकिन वो जिसे कहते हैं बिलिटिल यानी छोटापन इनका जो है,
वो उन्होंने बहुत ही कौशल से दिखा दिया। यानी ऐसा लग रहा था जैसे कि मोदी जी के सामने जो विपक्षी इस समय जो विपक्षी हैं वो कुछ बच्चे हैं, राजनीतिक रूप से अपरिपक्व हैं और बहुत ही क्षुद्र हैं। उनको ठीक से प्रहार करना भी नहीं आता, ठीक से तर्क करना भी नहीं आता और सकारात्मक तो कुछ नहीं ही बचा है। लेकिन इसको जैसा ट्रांसपेरेंट पारदर्शी रूप में मोदी जी ने दिखा दिया वो अद्भुत है। और राजनेता का यही कर्तव्य है, वो कोई वहाँ केवल मीठी मीठी बातें थोड़ी करनी चाहिए कि आपने कह दिया तो हमने लिपा पोती कर दी। अमित शाह जी ने भी बहुत व्यवस्थित तर्क दिया था, पर अभी प्रधानमंत्री की बात हो रही है, प्रधानमंत्री के रूप में अद्वितीय भाषण था। अब आप और एक और एक और प्रश्न है मेरा इसी में। आपने जो लिखा था कि मतलब भारत के टुकड़े वाले शब्द पे कि भारत के टुकड़े नहीं हुए, तो क्या आप पाकिस्तान और बांग्लादेश को अभी भी भारत का ही हिस्सा मानते हैं? और उसमें आपने कहा था कि पूरा पृथ्वी भारत है, तो ये इसको थोड़ा सा आप समझाइए। दोनों, पहला सवाल जो पाकिस्तान भारत को क्या आप भारत का हिस्सा मानते हैं अभी भी? नहीं, मैंने जो कहा था वो ये है कि भारत माता का के टुकड़े हुए ये कहना गलत है। उसका कारण ये है कि भारत माता शब्द भारतीय इतिहास में, भारत के धर्मशास्त्र में, भारत के राजनीतिक चिंतन में 19वीं शताब्दी ईस्वी से कभी पहले कभी भी प्रयुक्त नहीं हुआ था। पहली बार इसका प्रयोग बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम के रूप में आनंद मठ में किया। तो उसमें उस हर शब्द का एक स्रोत होता है। अपने यहाँ विशेषकर संस्कृत में ये नियम है, व्याकरण में, धातु पाठ आदि के द्वारा, कि किसी शब्द का मूल क्या है। तो भारत माता शब्द का मूल है बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ उपन्यास और उसमें वंदे मातरम गीत, जो कि उस समय के तेजस्वी सन्यासी लोग गाते हैं, ठीक है ना। उसमें उसका स्पष्ट वर्णन है, जैसे तुम ही विद्या तुम ही धर्म तुम ही हृदय तुम ही मर्म तुम ही प्राणा शरीरे तुम्हारा ही प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी। तो वहाँ उनको दुर्गा रूप बताया है, दुर्गा यानी जगदम्बा। जगदम्बा का एक रूप विशेष है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सर्वव्यापी शक्ति है उसके बहुत से वर्णन हैं। दुर्गा हैं, लक्ष्मी हैं, महादुर्गा, महासरस्वती, महालक्ष्मी और भी लोग, नई नई चंडिका, कालिका। तो भारत माता जगदम्बा का ही रूप विशेष है। तो जब आप भारत माता कहते हैं तो इसका अर्थ है कि वो कोई दिव्य शक्ति है, चिन्मय शक्ति है, परमात्मा के का ही एक अंश विशेष है। तो उसके न तो टुकड़े हो सकते, न उसका न वो कभी उदास हो सकती, न उसका कोई खंडन मंडन हो सकता। तो या तो आप भारत माता ना बोलिए, केवल भारत बोलिए, तो हम उससे सहमत हैं, है ना। अच्छा, आपने जो कहा कि भारत माता एक जगदम्बा का स्वरूप है और एक माता का टुकड़ा नहीं हो सकता है भारत, अगर भूखंड की माता नहीं, माता भर नहीं है इसमें, हमारा ये एक दार्शनिक पक्ष है, माता नहीं है केवल, वो जगदम्बा है यानी संपूर्ण जगत की माता है। बिल्कुल। भारत जैसे जिसे पहले पृथ्वी माता कहा है अथर्ववेद में, पृथ्वी सूक्त में, उसी को इन्होंने यहाँ भारत माता कह दिया है। तो पृथ्वी सूक्त स्रोत है जिसको बंकिम चंद चटर्जी ने भारत माता के द्वारा इसलिए किया कि उस समय इंग्लैंड, फ्रांस आदि फादरलैंड की बहुत बात करते थे, तो ये बहुत पढ़े लिखे और अंग्रेजी भी जानते थे बंकिम चंद। तो उन्होंने सोचा कि हम बता दें कि हमारी कल्पना कितनी विशाल और उदात है, केवल फादरलैंड के अर्थ में नहीं है, क्योंकि फादरलैंड का अर्थ होता है उनके नदी, पहाड़, शहर, बल्कि यहाँ कुछ दिव्यता है, यहाँ कुछ चेतना है। तो ये बिल्कुल भारत माता एक चैतन्य सत्ता है, माता नहीं है, वो दुर्गा माता है यानी दिव्य शक्ति है। तो किसी भी मानवीय स्त्री से उसकी तुलना नहीं हो सकती, है ना। तो भारत माता शब्द के प्रयोग पर मुझे आपत्ति है। अगर वो कहें कि भारत माता के टुकड़े हुए, एक दूसरा मैंने उसमें ये कहा है कि इसको टुकड़े करना क्या होता है, राजनीति में भी शब्दों का बहुत महत्व है, तभी तो इतने नारे गढ़े जाते हैं राजनेताओं के द्वारा। तो आप क्या शब्द बोलते हैं इस पे ध्यान रखना चाहिए। इसको दर्शन में कहते हैं घट रही घटना और देख रही दृष्टि, जीव के स्तर पर दोनों साथ साथ हैं। यानी कोई भी एक घटना घट रही है उसको देखने वाला उस दृष्टि से देखेगा जैसा उसका मानसिक संस्कार है, क्षितिज है, बौद्धिक प्रशिक्षण है, ज्ञान है, उसके आधार पर। तो हम जैसे टुकड़े टुकड़े कहते हैं तो हम क्या बिंब खड़ा करते हैं, हम बिंब ये खड़ा कहते हैं कि जैसे कि हाय हम हार गए, अरे टुकड़े जो हो गए, ये तो राजनीति में मूर्खता है। राजनेता का पहला लक्षण है महोत्साह, हमारे यहाँ का है महोत्साह हो महाबला, आप उत्साह पैदा करने वाले, अपने लोगों में बल का संचार करने वाली भाषा बोले। टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ है भारतीय राज्य का और संसार भर के सब राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन बारम्बार होता रहा है इतिहास में। बहुत सारे राज्य बार बार बने बिगड़े हैं,
आखिर जैसे ऑस्ट्रिया साम्राज्य था, हॉब्सबर्ग साम्राज्य था, रोमन कहाँ वो नहीं बचे, आज अस्तित्व में नहीं है। ठीक 18वीं शताब्दी तक जो साम्राज्य थे, सबसे पहले हंगरी था, ऑस्ट्रिया था, हॉब्सबर्ग था, और 19वीं शताब्दी में वो विकसित हो गए। इंग्लैंड फ्रांस इसके पहले नहीं थे, इसके पहले वो कोई ऑस्ट्रिया का अंग था, कोई हॉब्सबर्ग का अंग था, ये साम्राज्य थे, है ना। तो ये लगातार नए राज्य बनते रहे हैं, यानी राज्यों का पुनर्गठन एक वैश्विक प्रक्रिया है। तो ये जो भारत क्षेत्र है, जो किसी समय संपूर्ण जम्बू द्वीप था और उससे भी पहले महाभारत आदि काल में संपूर्ण पृथ्वी था, तो ये अपने आप राज्यों का पुनर्गठन होता रहता है। तो 1900 उसके पहले 1922 में एक पुनर्गठन हुआ कि अफगानिस्तान को उन्होंने अलग एक स्टेट बना दिया घबरा के अंग्रेजों ने। फिर जो 1947 में पुनर्गठन हुआ है राज्य का, वो गांधी जी, नेहरू जी और जिन्ना तीनों की सहमति से अंग्रेजों के मार्गदर्शन या संकेत या दबाव पर हुआ है। तो घटना को यथावत वर्णन करना चाहिए। तो उस समय क्या हुआ है, राज्यों का पुनर्गठन या तो उचित और न्यायपूर्ण होता है या पापपूर्ण और अनुचित होता है। तो 1947 में गांधी जी ने, नेहरू जी ने, जिन्ना ने अंग्रेजों के कारण भारत राज्य का पापपूर्ण पुनर्गठन किया, बस ये उसे कहना चाहिए। ये क्या है, राजनीतिक शब्दावली है सम्यक। तो 1947 में क्या हुआ, राज्य का पाप, भारत राज्य का पापपूर्ण पुनर्गठन। ऐसा जब आप कहेंगे तो सुनने वाले को प्रेरणा होगी हर भारतीय को कि तो फिर हम इस पाप को हटाएं, हम पुण्य का काम करें, है ना। और ये तो पुनर्गठन है, फिर पुनर्गठन होगा। और ऐसे वर्णन करते हैं जैसे कि मतलब कोई चीज घटित हो गई, अब तो ये सेटल्ड फैक्ट है, हैं, अब तो बस घटित ही हो गया। अरे बाबा, अभी 75 वर्ष पहले जो घटना 76 वर्ष पहले घटी है, तो जो हजारों साल से जो था वो सत्य नहीं है, और ये 76 वर्ष पहले का सत्य है, ये आपने कैसे मान लिया। तो उसको केवल राज्य का पुनर्गठन कहना चाहिए, क्योंकि 14 अगस्त 1947 तक इस संपूर्ण इलाके में करोड़ों हिंदू रह रहे थे, लाहौर में, रावलपिंडी में, बलूचिस्तान में, पख्तूनिस्तान में, ढाका में, संपूर्ण बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में हिंदू भरे पड़े थे, उनके मंदिर थे, उनके विद्या केंद्र थे, आर्य समाज की पाठशालाएं चल रही थी, सनातन धर्म सभा के गुरुकुल चल रहे थे, आर्य समाज के गुरुकुल चल रहे थे, हिंदी साहित्य सम्मेलन की शाखाएं थी लाहौर, रावलपिंडी में, और तो छोड़िए हिंदी साहित्य सम्मेलन जो नया संगठन बना था हिंदी साहित्य का, उसकी शाखाएं सब जगह थी, लाहौर में, पेशावर में, रावलपिंडी में, इधर ढाका में। तो ये तो अभी कल की बात है, भारत का इतिहास कितना पुराना है उसके अनुसार वो कल की बात है। तो कल की बात को हम आज फिर, परसों फिर, कल फिर बदल देंगे जब हमारी शक्ति होगी। तो राजनीति का शब्द सही बोलना चाहिए, मैंने केवल इसके लिए इशारा किया था। क्यों, क्योंकि प्रधानमंत्री बाकी शब्द बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य, बहुत ही प्रामाणिक और टू द पॉइंट बोल रहे थे। कोई और बोलता है तो इस समय तो भारत में ऐसी हवा है कि लोग चाहे जो बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि चाहे जो नहीं बोल रहे थे, इसलिए मैंने टोका। कल के जो संबोधन है, आपने बड़ा बढ़िया से उसको एक बोलते हैं कि दार्शनिक स्तर पे और बड़े व्यापक स्तर पे भारत, भारत माता, भारत के टुकड़े, भारत की कल की बात की बात, और बहुत सारी चीजों को आपने बहुत विस्तार से और अच्छे से बताया। कई लोगों के ये जहन में जाना चाहिए और जाएगा, लेकिन अब ये है कि कल जो अविश्वास प्रस्ताव आया, इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद अविश्वास प्रस्ताव गिरा, 2018 में भी गिरा, 2023 में भी, 2018 में भी कहा जा चुका था कि 2023 में मिलेंगे, और अभी फिर कहा गया है 2028 में मिलेंगे। तो आप इसमें अब विपक्ष की क्या स्थिति देखते हैं, या विपक्ष कहाँ कमजोर हो रहा है, या फिर कहा जा रहा था कि दहाड़ने आ रहे हैं, दहाड़ देंगे, नाम भी बदल दिया, कपड़े भी बदल दिए, वेशभूषा भी बदल दी, दाढ़ी भी कटवा लिए, तो अब क्या, मतलब होना क्या है, क्या सोचते हैं? उसका उत्तर भी प्रधानमंत्री ने सबसे अच्छा दे दिया। पहली बात तो उन्होंने कहा कि भाई वो NDA में आपने दो आई घुसेर दिए हैं, यानी अहंकार का उत्तर दे दिया। एक खैर वो तो हिट है, उसको विनोद वृत्ति कहते हैं, बहुत ही पैनी और बहुत ही सुंदर विनोद वृत्ति, या अंग्रेजी में जिसे विट कहते हैं, वो भी मोदी जी में गजब की है। लेकिन तो INDIA में घमंडिया भी जोड़ दिए हैं, मतलब अहंकार हुआ, मैं ही मैं हो गया और दो मैं जुड़ गए, तो अपने आप घमंड का उद्गार हो गया। बताया ना कि कल मोदी जी के भाषण के बाद सारा जो वर्तमान विपक्ष है वो बच्चा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी, जैसे हम लोग बच्चों से खेलते हैं ना,
तो बच्चों को खिला रहे थे, और ये लोग इतने कमजोर बुद्धि के, इतने दीनहीन दिख रहे थे जो दुनिया में, अभी कल मेरी अमेरिका से और इंग्लैंड से हमारे मित्रों से बात हुई भाषण के बाद, सब कह रहे थे कि दे आर सो चाइल्डिश, इतने बच्चे हैं, इमेच्योर और चाइल्डिश दिख रहे हैं सारा विपक्ष। लेकिन आपका जो मूल प्रश्न है वो जो है वो ये है कि भाई विपक्ष ये नहीं है, भारत जैसे सशक्त लोकतंत्र का विपक्ष इतने कमजोर, इतने लिजलिजे, इतने ढुलमुल, इतने लगभग बुद्धिहीन दिखने वाले लोग नहीं हो सकते। तो भारत का एक विपक्ष होना चाहिए। पहली बात तो ये कि अगर दूरगामी दृश्य देखें तो लोकतंत्र का ये ढांचे से ही मुझे आपत्ति है, लेकिन वो एक अलग विषय है। फिलहाल तो यही लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खामी भी यही है, अभी भारत में जो है, यूरोप इंग्लैंड में बिल्कुल अलग है, भारत में इंग्लैंड जैसा लोकतंत्र नहीं है। इंग्लैंड में लोकतंत्र लाया गया था वहां के सम्राट को मजबूत करने के लिए, क्राउन को, तो क्राउन सुदृढ़ रहे, क्राउन के अंतर्गत प्रोटेस्टेंट चर्च का सारे देश में शासन रहे, और ये जो, इसीलिए इसको लोअर हाउस कहते हैं वहां ना, यानी जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसमें तो वहां के बुद्धिमान और अभिजात लोग रहते थे, और इसको क्या था जो वहां की भीड़ भक्कड़ और फालतू लोग, इसीलिए शुरू में उन्होंने उसको लेफ्ट कहते थे, मतलब जो जनता के, वहां तिरस्कार बहुत है जनता का, इंग्लैंड फ्रांस आदि में जो पुराना समाज है वहां साधारण लोगों के प्रति बहुत तिरस्कार था, तो वो उनको कहते थे ये तो साधारण लोग हैं, लोअर हाउस में आओ, हल्ला गुल्ला कर लो और चले जाओ, शासन रहेगा मोनार्क का। तो इंग्लैंड में जो लोकतंत्र के नाम पे लाया गया है वो साम्राज्य को या सम्राट को, क्राउन को मजबूत करने के लिए, शासन यानी राज्य के, राजा के शासन को मजबूत करने के लिए ये इन लोगों को खेलने को दे दिया गया है। वो कोई, भारत में क्या हुआ कि उसकी नकल में इन्होंने चला दिया, लेकिन उसको जो जोड़ने वाली ताकत है, इंग्लैंड में जोड़ने वाली ताकत क्राउन है। क्राउन जो है वो प्रोटेस्टेंट चर्च का यानी इंग्लैंड के बहुसंख्यकों के रिलीजन का अधिकृत और विधिक संरक्षक है। तो जो भी अपने यहाँ भी उसी की नकल है, लेकिन वो कैसे हास्यास्पद हो जाती है ये बता रहा हूँ, तो वहाँ जो भी राजकीय आदेश जारी होते हैं वो क्राउन के बिहाफ पे जारी होते हैं, ठीक है ना, जिसका अर्थ है कि वो सारे ही राजकीय आदेश, इंग्लैंड की सारी ब्यूरोक्रेसी प्रोटेस्टेंट चर्च के अधीन है, उसमें टकराव नहीं है, सबकी लॉयलिटी, सबकी निष्ठा प्रोटेस्टेंट चर्च के प्रति है। भारत में इन्होंने क्या किया, नकल तो वो मार ली, राष्ट्रपति की ओर से सारे आदेश जारी होते हैं, आप कोई भी सरकारी आदेश देखिए जो महत्वपूर्ण होगा वो राष्ट्रपति की आज्ञा से, राष्ट्रपति के अनुसार होगा, राज्यों में राज्यपाल की आज्ञा से, राज्यपाल के अनुसार, आदेशानुसार होगा, लेकिन राष्ट्रपति किसका संरक्षक है, ऐसे बना लिया है कि भारत का राष्ट्रपति भारत के बहुसंख्यकों के धर्म का अधिकृत और विधिक संरक्षक ही नहीं है, बल्कि उल्टा है, यहाँ वो अल्पसंख्यकों का विधिक ऑफिशियल और लीगल संरक्षक है। तो आपने तो इसको एक हास्यास्पद बना दिया, इंग्लैंड की नकल भी नहीं है, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि भारत के शासन में, ब्यूरोक्रेसी में किसी भी विचार के लोग जा सकते हैं, इंग्लैंड में नहीं जा सकता, जो भी ब्यूरोक्रेट होगा वो प्रोटेस्टेंट चर्च के प्रति लायल होना उसकी ड्यूटी है, यहाँ हिंदू धर्म के प्रति द्रोह भाव रखना एक तरह से ड्यूटी बन गई है अफसरों की, यानी 90% अफसर हिंदू धर्म के प्रति द्रोह भाव रखते हैं। तो आपने ये अविचारी ढांचा लिया है, छोड़िए, लेकिन एक बता रहे हैं। और दूसरा क्या है कि ऐसे में जो ढांचा आपके यहाँ बचा है उसमें बांधने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई शासन होता है कि जिसमें सदा एक विपक्ष मौजूद रहे और जोड़ने वाली कोई ताकत, वहां तो जोड़ने वाला क्राउन है, किंग या क्वीन है, ये क्या बात है कि साहब हम तो विरोध करेंगे, तो एक तो ये नकल ही गलत थी, यानी ऐसा शासन जिसमें लगातार एक सशक्त विरोधी गुट मौजूद रहे, ये वस्तुतः कैसे किसी राज्य को मजबूत बना सकता है, वो तो कभी भी राज्य लड़खड़ा जाएगा। और स्थायी शासन नहीं है अपने यहाँ, तो वहां तो स्थायी क्राउन है, यहाँ स्थाई क्या है जिससे भारत का स्थायित्व रहे, ये तो नकल ही भद्दी है। लेकिन अब फिलहाल अभी यही रहेगी, क्योंकि हमारे सभी नेता दिमाग से राजनीतिक रूप से यूरो ईसाई हैं, चाहे अपने आप को हिंदू कहें चाहे कुछ, उनकी बुद्धि यूरो क्रिश्चियन है ना राजनीति में। लेकिन आपका प्रश्न जो है उसका उत्तर ये नहीं हुआ, आपका प्रश्न ये है कि विपक्ष कैसे सही हो, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर संसदीय लोकतंत्र ही रहता है तो विपक्ष, एक सशक्त विपक्ष अगर रखे ही हैं, हम तो इसको कचरा ढांचा कहते हैं, लेकिन मान लो आपने यही ढांचा रखा है, तो एक सशक्त विपक्ष आवश्यक है। तो सशक्त विपक्ष ये नहीं होंगे, इनको भूल जाइए, इनको मोदी जी ने जिसे कहते हैं प्रॉपर प्लेसमेंट कर दिया है, सम्यक स्थान पर विराज दिया है, ये दिखा दिया है कि ये बौने हैं, क्षुद्र हैं, निकम्मे हैं, बुद्धिहीन हैं, देश के प्रति संवेदनहीन हैं, अयोग्य हैं।
ये विपक्ष है ही नहीं, ये भारत का कचरा है, ये भारत के हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं, ये मोदी जी के भाषण से दिख गया। यहाँ तक कि उन्होंने हंस के कई बार कहा कि मैं सिखाऊं क्या कि आप लोग किस तरह से हमारा विरोध करें, से विपक्ष का काम करें, किया दीनहीन बुद्धि से दीनहीन दिखा दिया। तो भारत में ये तो सर बीच में ही निकल के, ये तो इनके भाषण के जब बीच का समय है उससे पहले ये लोग निकलने शुरू हो गए, राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम ही निकल गई। वो उनका तेज नहीं सह पा रहे थे, तो जो उनके तेज के सामने इनको लगा कि हम जुगनू भी नहीं दिख रहे हैं तो भाग गए शर्म के मारे, वो तो अलग बात है। लेकिन एक सशक्त विपक्ष आवश्यक है, और ये सशक्त विपक्ष हिंदुओं को लाना होगा। सनातन धर्म के प्रति निष्ठावान एक सशक्त विपक्षी दल आवश्यक है। अभी का विपक्ष विपक्ष नहीं है, ये तो लगभग मतलब अभी वर्तमान में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व संभालने के बाद कांग्रेस एक तरह से क्रिश्चियन कांग्रेस हो चुकी है ना, वो क्रिश्चियनिटी का एजेंडा, चर्चियनिटी का एजेंडा ले रही है, वो भारत का उसका कोई एजेंडा ही नहीं है। और बाकी जो दल हैं वो तात्कालिक बुद्धि वाले हैं, भाई हमको दो सीट मिल जाए, थोड़ा सा टुकड़ा मिल जाए, ज्यादा कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, देश पर शासन करने की आकांक्षा वर्तमान विपक्षी दलों की नहीं है। तो ऐसा आपका एक सीधा बड़ा बहुत बड़ा एक बात है, आप कह रहे हैं कि विपक्षी दलों में देश पर शासन करने की आकांक्षा ही नहीं है। तो इनकी जो हरकतें हैं बीच बीच में, कभी मणिपुर जल रहा है, भारत के भारत की भारत माता जल रही है, भारत माता की हत्या हो रही है, जो इस तरह के जो हल्के बयान हैं, ये इन बयानों को आप कहाँ देखते हैं? और उनके जो नेता हैं जो ट्विटर पे, फेसबुक पे, मीडिया में, और उसी को जस्टिफाई करने का कोशिश करते रहते हैं कि नहीं इसको ये बहुत सही बोले, वो बहुत सही बोले, मतलब वो सच में भारत माता को मरा हुआ मान भी लेंगे, ऐसा लगता है। देखिए क्या है कि अगर बहुत बुद्धिमत्ता से देखें तो प्रत्येक वक्तव्य का सत्य दिख जाता है। राहुल ने साफ कहा कि एक मेरी माँ यहाँ बैठी है जो कि सोनिया गांधी है, और एक मेरी माँ वहां है, इसका मतलब कोई ईसाई स्त्री मणिपुर की उनके दिमाग में थी, अन्यथा वो एक स्त्री से तुलना नहीं करते, है ना। तो वो लगता है कि किसी कुकी स्त्री को, जो मणिपुर की कुकी ईसाई स्त्रियां हैं, उनमें से कोई स्त्री उनकी नजर में थी, उनके दिमाग में किसी ईसाई स्त्री का पक्ष था, तो उन्होंने कहा एक ये यहाँ मेरी माँ बैठी है, एक वहाँ, तो ऐसा लगता है कि कोई ईसाई स्त्री ही उनकी माँ है। वो न तो भारत माता को जानते, न मणिपुर को, मणिपुर को एक माता के रूप में देखते। कोई अपनी माता को ये नहीं कहेगा कि वो मर गई है, वो भी ऐसी माता जिसको आप पूरा एक भूखंड मानते हैं, तो वो तो सनातन हुआ ना भाई, तो मणिपुर की हत्या भी नहीं हुई है और भारत माता की हत्या भी नहीं हुई है। तो इसका मतलब इनका दिमाग इतना छोटा है कि कोई एक ईसाई स्त्री उनके दिमाग में थी, यहाँ सोनिया गांधी, वहाँ कोई कुकी बूढ़ी स्त्री मिली होगी, वो हो सकता है कि मैतेई लोगों को इन्होंने मारा तो मैतेई ने उनको मार दिया, तो इसलिए वो बिलख रहे होंगे। वो न भारत माता को जानते न मणिपुर को जानते, उनकी बातें। एक एक महत्वपूर्ण बात मोदी जी ने और कही, खुल के नहीं कही, लेकिन मैं उसे खुल के कहना चाहता हूँ। राहुल जी का सारा भाषण तो ऐसा था जो कुछ लेखक होते हैं ना, कहानीकार, मैं वहां गया, मुझे ये दिखा। अरे भाई आप राजपुरुष हैं, राजपुरुष संपूर्ण राज्य के विषय में बताता है, उन्होंने मणिपुर का क्या बताया? मैं उधर गया, मुझे वो स्त्री दिखी। आप स्टोरी राइटर हैं, आप कोई प्लेबैक राइटर हैं, आप क्या लिख रहे हैं? राज्य की संपूर्ण तस्वीर आ जाए, आंकड़े देने चाहिए, तथ्य देने चाहिए, इतने कुकी हैं, इतने मैतेई हैं, इतने नगा हैं, वो ऐसे मार रहे हैं, उन्होंने ये किया, ये राजपुरुषों का भाषण कहलाता है। न तो उन्होंने ये बताया कि कितने कुल कुकी मारे गए, कितने मैतेई मारे गए, कितने नगा मारे गए, न उन्होंने ये बताया कि अफीम के कारोबार को कितना धक्का पहुंचा या नहीं पहुंचा, कुछ भी तो नहीं बताया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कहानी कह रहे हैं। तो स्टोरी राइटर्स के लिए राज्यसभा में जगह होनी चाहिए, लोकसभा में तो राजपुरुष होने चाहिए ना। तो राहुल का भाषण जो है वो राजपुरुष का भाषण नहीं था, वो एक किस्सा गो। वो मोदी जी ने वैसे बड़ी जोरदार चुटकी ली थी, उन्होंने कहा कि जैसे देहात का कोई आदमी कहीं सऊदी अरब चला जाए या इंग्लैंड और अमेरिका चला जाए, फिर वहां का वर्णन करेगा। वस्तुतः राहुल ऐसे ही कर रहे थे, जैसे कोई गांव देहात का आदमी जाएगा ना तो कहेगा अरे वहाँ व्हाइट हाउस है, पता है व्हाइट हाउस ऐसा है। ठीक है वो दर्दनाक वाला चित्रण कर रहे थे, लेकिन चित्रण की शैली यही थी। जैसे आप किसी गांव देहात से आए हैं, आपने पहली बार किसी ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम देखे हैं, अरे भैया तो भारत की राजनीति क्या कर रहे हो अगर इतने नाजुक हो। भारत के राजपुरुष को तो बहुत ही दृढ़ हृदय, दृढ़ शरीर। बिल्कुल, उन्होंने कहा भी कि आपने गरीबी भी देखी है तो गाड़ी के शीशे को उतार कर देखिए, इसलिए आप गरीबी भी नहीं समझ पाओगे। तो खैर हम आगे बढ़ते हुए सर, हमारे बीच में स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर अपर्णा झा जी है
और हम उनके मन में भी दो तीन प्रश्न हैं वो आपसे पूछना चाहते हैं। जी अपर्णा जी पूछिए। जी सर, सर नमस्कार। नमस्ते सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है, जैसे आपने विपक्ष की बात की थी कि विपक्ष हमारा बिल्कुल ही लुंज पुंज है, तो ये जो विपक्ष के माध्यम से जो पहले तो इन्होंने एक बार आंख मारी थी, पता नहीं उसके मतलब उसका क्या मतलब हो सकता है, और इस बार तो उन्होंने फ्लाइंग किस दी जिसकी कई लोगों ने वकालत की, कई तो इनके कांग्रेस की महिला प्रवक्ता है वो कह रहे इनको लड़कियों की क्या कमी है तो ये बूढ़ी को क्यों फ्लाइंग किस देंगे। तो क्या हम मान लें कि समय के साथ आधुनिकीकरण के नाम पर हमारे देश में जिस तरह से पाश्चात्य विकृतियां आ गई हैं उसका प्रवेश हमारे सांसदों के माध्यम से हमारे संसद में भी स्वीकार्य हो गया है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात यह कि पाश्चात्य में ऐसी कोई विकृति नहीं आई है। पाश्चात्य देश धीरे धीरे और बेहतर हुए हैं। पहले पाश्चात्य देश अधिक असभ्य और अधिक अविकसित थे। आप लोगों को यूरोप का इतिहास नहीं पता है, और वहाँ धीरे धीरे जो प्रबुद्ध वर्ग है वो बहुत ही परिपक्व हुआ है। यूरोप के किसी भी लोक पार्लियामेंट में ऐसा कोई हरकत किसी ने नहीं की है कभी भी, एक बात। दूसरा, ये जो है इसको डॉक्टर लोहिया एक शब्द कहते थे, बड़े घरों के बिगड़े लड़के लड़कियां, ये उनकी हरकत है, ये किसी गंभीर व्यक्ति की हरकत ही नहीं है, और ऐसी कोई आधुनिकता भारत में नहीं आ रही है। कांग्रेस के कारण लंपट्टा को और व्यभिचार को बढ़ावा दिया गया फिल्मों के जरिए, कहानी के जरिए, ऐसे ही साहित्यकारों को पुरस्कृत किया गया जो लंपट्टा और व्यभिचार बढ़ाएं, दूसरों का चरित्र हनन करें, झूठ बोलें वगैरह वगैरह। तो वो उसको मार्जिनल लोग हैं, वो भारत की मुख्य धारा के अंग नहीं है। आज भी भारत में लोग शील, संस्कार, सदाचार इसी की मान्यता करते हैं, तो भारत तो भारत ही है। और यूरोप में भी काफी परिष्कृत लोग हैं, यूरोप की संसद में बहुत ही उच्च स्तर का परिष्कृत भाषण होता है। ये आंख मारने का धंधा तो ये उसकी अपनी निजी कमजोरी है किसी व्यक्ति की, इसका मतलब वो अभी आयु उनकी कुछ भी हो लेकिन कुछ छोकरे छाकरियों वाला बौद्धिक स्तर है तो उसका कोई मतलब ही नहीं। तो जैसे कोई आवारा छोकरों के जो स्तर होते हैं उनकी ये हरकतें हैं, कोई गंभीर व्यक्ति ये सब नहीं करता, उससे कोई मतलब नहीं, वो राजनीति के अयोग्य हैं। सर मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि जिस तरह से मोदी जी ने कल भाषण दिया और मतलब इनकी विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो चित भी मेरी पट भी मेरी, यह अविश्वास प्रस्ताव जैसे रितेश जी ने कहा कि ये 18 में भी लेकर आए और अभी भी लेकर 23 में लेकर आए और 28 में भी मोदी जी ने इनको पहले ही आमंत्रण दे दिया, पूर्व आमंत्रण दे दिया कि आप 28 में भी स्वागत है आपका, आप आइए। तो ये एक तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं जबकि इनको पता है कि ये सारे बिनपिंडी के लोटे हैं, इनके पास सिर्फ दो एक सीट मिल जाए इतनी ही धारणा, इतनी ये अपेक्षा लेकर चल रहे हैं इस चुनाव में, मोदी जी को परास्त करें किसी भी तरह से करें, और उस परास्त होने की संभावना न के बराबर है। अगर हो भी जाते हैं तो ये लोग आपस में क्या करेंगे सत्ता का पता नहीं। इस स्थिति में, इस डामाडोल स्थिति में ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं, ट्वीट करते हैं कि मोदी जी नहीं आएंगे, शेर से डर जाएंगे और पता नहीं क्या क्या, और जब मोदी जी आते हैं तो ये सदन से वॉकआउट कर जाते हैं, ये बंगाल पर बोलना नहीं चाहते, इनके डायरेक्ट जी जो है बंगाल के जिनको सस्पेंड कर दिया गया, डेरेक ओब्रायन, ये साहब बंगाल पर मुझे बोलना नहीं है, इनकी महुआ मैत्रा, इनको बंगाल पे सुनना भी नहीं है, बोलना क्या है इनको, सिर्फ बोलना है सिर्फ एक राज्य मणिपुर, जबकि बिहार, मणिपुर, बंगाल तो सालों से जल रहा है, राजस्थान में अति हो गई है, मतलब दुष्कर्म और अपराध की इतनी अति हो गई कि हम आप चर्चा करते हुए सिहर जाते हैं। इन किसी राज्यों में हो रहे अपराध और खुलेआम हो रहे अपराध पर कोई चर्चा नहीं करनी है, सिर्फ इनको एक मणिपुर का झंडा लहराना है। तो इस तरह की बातों को क्या आप बचकाना समझते हैं, मानसिक विकृति समझते हैं, ये आप अपने शब्दों में कहें सर। नहीं देखिए, पहली बात ये कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव था वो स्पष्ट रूप से अविश्वास प्रस्ताव था, मणिपुर उसमें केंद्र में नहीं था, इनको मणिपुर पर कोई अलग प्रस्ताव लाना चाहिए था। अगर आप भारत के मंत्रिमंडल पर अविश्वास करते हैं तो उसमें सारे देश की सब बातें आपको कहनी पड़ेंगी, केवल मणिपुर पर कहने का अर्थ यह है कि आपको संसद की विधिक प्रक्रिया में भी श्रद्धा नहीं है। आप कह रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव और मणिपुर के स्थगन प्रस्ताव वाले व्यवहार कर रहे हैं जैसे आपने मणिपुर पे कोई स्थगन प्रस्ताव लाए हो, तो इनको स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव का अंतर मालूम तो सब है लेकिन याद नहीं है, इसका मतलब इनके पास विवेक इस समय सुप्त है। दूसरी बात क्या है कि
मणिपुर पर भी कहां चर्चा हुई, किसने मणिपुर पर, मणिपुर पर तो सबसे अच्छा अमित शाह बोले। जब आप मणिपुर राज्य की पूरी दशा का चित्रण करें उसे कहेंगे मणिपुर पर चर्चा। मणिपुर पर तथाकथित विपक्ष के किसी व्यक्ति ने चर्चा ही नहीं की। मणिपुर में मैतेई समुदाय के किन्हीं दो या चार सदस्यों के द्वारा कुकी समुदाय से लिए गए प्रतिशोध पर चर्चा की। तो राजनीति में भाषा तो ठीक बोलो भाई। तो क्या भारत की संसद केवल किसी एक घटना पर बहस के लिए है? मणिपुर के मैतेई समुदाय ने कुकी लोगों के द्वारा लगातार सताए जाने पर, उत्पीड़ित किए जाने पर, घर जलाए जाने पर, अत्याचार किए जाने पर, अपनी माताओं बहनों से बलात्कार और व्यभिचार और दुराचार किए जाने पर क्रोध में भरकर किन्हीं दो चार मैतेई युवकों ने वो काम किया। आप उसी पर केंद्रित हैं। पहले कुकी ने क्या किया, पहले नगांव और कुकियों ने मिलकर मैतेई के साथ क्या किया, आप इसको नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब आपकी रुचि मणिपुर में नहीं है, आपकी रुचि मैतेई समाज को वहां से भगाने और नेस्त नाबूद करने में है। तो आप तो मणिपुर के शत्रु हैं। मणिपुर का मुख्य समाज है मैतेई समाज, और आप चाह रहे हैं कि मैतेई, जैसे गांधी जी को लेके इन्होंने किया कि जैसे कि गांधी की हत्या न हुई सारे भारत की हत्या हो गई। अरे भाई, एक लड़के का दिमाग थोड़ा सा आवेश में भर गया, उसने मार दिया। आप कैसे पूरे समाज को, किसी पूरे संगठन को दोषी दे रहे हैं? उसी प्रकार अपनी माँ बहनों से अनुचित व्यवहार देखकर, अपने लोगों का घर जलाए जाते देखकर चार छह मैतेई युवकों को क्रोध आ गया, तो उन्होंने भी बदला ले लिया। तो ये नहीं कि वो उचित है, उसका तो दंड भारत शासन देगा, हमारा न्यायालय देगा, उस पर कार्रवाई हो रही है, प्राथमिकी दर्ज हो रही। लेकिन मणिपुर पर चर्चा ये नहीं कहलाएगी। मणिपुर की समस्या पर कोई चर्चा विपक्ष ने नहीं की। उन्होंने मणिपुर के मुख्य समाज मैतेई समाज के कुछ सदस्यों के द्वारा की गई गलती को अनुपात से ज्यादा बढ़ाकर उसी में फोकस कर दिया। तो ये मैतेई समुदाय को बदनाम करने और उनको वहां से हटाए जाने या उनको और ज्यादा सताए जाने के पक्ष में दिए गए बयान हैं। इसका अर्थ है कि इन लोगों में न तो मणिपुर से प्रेम है, न राष्ट्रीयता से प्रेम है, ये तो किन्हीं विदेशी शक्तियों के इशारे पे, जितना मुझे पता है ये अफीम और ड्रग्स के कारोबार के जो अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां हैं उनके इशारे पे ये तमाशा हो रहा है। तो इनका मणिपुर बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मेरे मन में आ रहा है रामेश्वर जी जी, और वो मेरे दिमाग से ना निकल जाए इसलिए मैंने बीच में आपको टोक। सवाल यह है कि उस पूरे भाषण में एक बार मोदी जी ने कहा कि मणिपुर में जी, मणिपुर नहीं, मिजोरम में एक बार ऐसी घटना घटी थी जब मतलब वायुसेना की ओर से गोलियां चलाई गई मिजोरम के लोगों पर। नागालैंड में भी वो घटना घट चुकी है, कांग्रेस ने किया। राहुल गांधी भी बोल चुके हैं कि आप सेना लेकर जाते तो शायद एक दिन में मामला सुलझ जाता। तो असल में राहुल गांधी सेना को भिजवाना चाहते हैं मोदी जी के माध्यम, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं यही उद्देश्य तो नहीं है कि अगर एक बार सेना भेज दिया जाए उसके बाद अगर कोई घटना घटेगी फिर उसके बाद बोलेंगे मणिपुर जल रहा है, मणिपुर को फिर कहेंगे ये तानाशाह हैं, फिर कहेंगे ये तानाशाह हैं, नागरिक मामलों में सेना को भेजते हैं। इनका तो देखिए इसके पीछे क्या मान सकता है, कैसे लेना चाहिए जो वर्तमान विपक्ष, हमको एक गंभीर विपक्ष चाहिए। और उसमें मेरी इच्छा है कि जो हिंदू धर्मनिष्ठ नवयुवक नवयुवतियां हैं वो बड़ी गंभीर राजनीति करें। और जैसे कि कांग्रेस ने तो ये खेल ही खेला था कि सत्ता में कांग्रेस थी, जवाहरलाल जी सोशलिस्ट थे, और विरोध में भी सोशलिस्टों को ही महत्व मिला, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, तो ये सोशलिस्टों की मिली भगत थी। सत्ता में भी सोशलिस्ट, विपक्ष में भी सोशलिस्ट, देखने में विरोध कर रहे हैं। और ये आधुनिक संसदीय लोकतंत्र में ये खेल बहुत होता है। इंग्लैंड में भी दोनों पार्टियां कई मामलों में मिली भगत रहती हैं। तो या तो आप ऐसे करें कि इधर भी हिंदुत्वनिष्ठ और उधर भी हिंदुत्वनिष्ठ कोई विपक्ष लाएं, या अगर सच्चा विपक्ष भी चाहिए तो जो धर्मनिष्ठ हिंदू युवक युवतियां हैं उनको कोई एक विपक्षी दल बनाना चाहिए। ये तो समय के साथ बह जाएंगे। हम इनकी राजनीतिक मृत्यु निकट दिख रही है। जो उन्होंने बार बार, मोदी जी ने एक बार और कही थी कि जो मन में इच्छा है उसको कह रहे हैं, ये बार बार भारत माता की मौत कह रहे हैं, मृत्यु कह रहे हैं, हत्या कह रहे हैं, इसका मतलब ये चाहते हैं कि भारत माता की हत्या हो जाए। तो भारत माता की हत्या तो नहीं होगी, असंभव है, क्योंकि वो चिन्मय शक्ति हैं। लेकिन इनकी राजनीतिक हत्या होने वाली है, राजनीतिक मृत्यु होने वाली है, हत्या तो नहीं। इनको कौन मारेगा, मरे हुए को कौन मारेगा? ये तो दया के, अब तो ये विनोद का विषय हो गए हैं।
मोदी जी ने तो कल इनको लगभग विनोद का विषय बना दिया, तो अब इनसे कोई खतरा नहीं है भाजपा को। लेकिन हम चाहते हैं कि भाजपा पर एक सनातन धर्म के पक्ष में दबाव देने वाला एक विपक्ष आए, तो एक सच्चा विपक्ष आना चाहिए। इनको हम लोगों को जो चूंकि आपका नाम तो राष्ट्र समर्पण है ना, तो ऐसे गंभीर चैनल्स को इनकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। ये एक तरह से कूल ध्रुम जिसे कहते हैं ना, किनारे के, जैसे नदी के में तेज बहाव आया हो और किनारे पर खड़ा हुआ पेड़ हो जिसकी जड़ें हिल गई हैं, ये वो हैं, ये कूल ध्रुम हैं। ये मतलब अप्रत्यक्ष रूप से आप कह रहे हैं कि ये जो अभी राजनेता लोग हैं वर्तमान में विपक्ष के अंदर, वो राजनीतिक हत्या नहीं, राजनीतिक आत्महत्या की ओर अग्रसर है। हाँ, ये राजनीतिक आत्महत्या या राजनीतिक इनका अवसान, जो भी शब्द कह लें, इनका राजनीतिक अवसान स्पष्ट दिख रहा है। ये उतने ही दिन जीवित हैं जब तक विदेशी धन से कुछ इनको कूदने फांदने को मिल जाए। ये तो भारत की राजनीति ही नहीं कर रहे हैं। अरे मणिपुर पर इन्होंने सच्ची राजनीति नहीं की, मणिपुर के मुद्दे ही नहीं उठाए, बस एक घटना मैतेई लोगों के द्वारा कुकी लोगों से बदला लेने की घटना को मणिपुर बना दिया। अरे वाह, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा राज्य, उसमें तीन तीन प्रमुख जातियां हैं कि नगा, कुकी और मैतेई, और आपने केवल पूरे मैतेई समाज ने पूरे कुकी समाज को तो नहीं वो सब किया है, कुकी समाज की सब स्त्रियों की तो ऐसे बलात्कार नहीं हुआ है ना, तो एक घटना है। इससे पहले हमने कुकी और मैतेई समाज के लोगों को हम लोगों ने अपने चैनल पे बुलाया था, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और एक अधिवक्ता थे, उन्होंने बताया था किस तरह से कुकी समाज पूरा का पूरा पूरा मणिपुर में किस तरह से कुकी समाज इनके साथ अत्याचार कर रहा है, उनके पास हथियार रखे हुए हैं, लगातार उनको मार रहा है, उनको पीट रहा है, और उसके बाद जब कुकी समाज के साथ ऐसा हुआ तो इन लोगों ने पूरा प्रयास किया कि पूरे देश भर में आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, ऐसा मैसेज देने का, मतलब मैतेई आदिवासी नहीं है, नहीं है तो बताने का प्रयत्न करते हैं ना, ये मिथ्या प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब चार लोग इनके अगर कुछ हो जाए उसको सारे भारत का प्रतिनिधि बता देंगे। कुकी लोगों में से कुछ लोगों के साथ हो गया तो संपूर्ण ट्राइबल के साथ हो गया, तो इनका तो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है, मिथ्या प्रतिनिधित्व। आप बिल्कुल कुकी है ना, कुकी समाज को एक तो पूरा मणिपुर का बताना भी स्वयं में मिथ्या प्रतिनिधित्व है, आखिर वहां मैतेई भी हैं, तो आप केवल कुकी समाज पर अत्याचार की बात कर रहे हैं, फिर उस अत्याचार के भी एक घटना विशेष या चार घटनाओं पर बात कर रहे हैं, हजारों घटनाएं घट चुकी हैं इतने वर्षों में वहां, तो उन सारी घटनाओं, वो भी जिस घटना की बात कर रहे हैं वो भी घटना ऐसा लग रहा है कि इनके लिए ही घटित हुआ था और इनके लिए ही वो वीडियो एक महीने संसद शुरू होने से पहले ही आया, तो अभी तो वो मैं नहीं जानता, उस पर और खोज होनी चाहिए, क्योंकि कहीं जैसे कुटिल और हताश निराश ये लोग हो गए हैं, कहीं ऐसा ना किए हो कि कोई दो चार मैतेई युवकों को पैसा दे दिए हो कि तुम ऐसा करो और हम वीडियो बनाएंगे। ये तो विचित्र लोग हैं, विकृत लोग हैं, इनकी सारी हरकतें विकृत, क्योंकि इसकी जांच इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि सुभाषिनी अली ने एक फोटो डाला था जिसमें आरएसएस के मणिपुर के कार्यकर्ता और उनका एक 12 वर्षीय पुत्र का फोटो डाल के कहा था कि उस वीडियो के दोषी स्पॉन्सर ये दोनों हैं। बाद में उसने ट्विटर पर जाकर माफी भी मांगी कि ये गलती से मैंने पोस्ट कर दिया, तो जब लोगों ने उनको पकड़ लिया तब कि मैंने गलती से पोस्ट कर दिया, उन्होंने ये फॉल्स रिप्रेजेंटेशन डाल दिया था। ये लोग अब हताश और एकदम राजनीतिक अवसान की ओर जा रहे लोग हैं, हमें एक अच्छा सच्चा विपक्ष चाहिए, और ये तो विदेशी जब तक धन आ रहा है तब तक चल रहे हैं, और मोदी जी के साथ, मोदी जी भी शायद मजे ले रहे हैं कि अच्छा है इतना निरापद विपक्ष लगे, हम तो चाहते हैं कि मोदी जी के सामने कुछ संकट खड़ा करने वाला विपक्ष आना चाहिए, इस विपक्ष को देख के तो हमें शर्म आती है, ये तो मोदी जी के लिए बिल्कुल निरापद विपक्ष है, उनके खेलने की चीज बन गया है, वो मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, ये दीनहीन की तरह भाग रहा है मुंह छिपाते, तो ये तो बच्चे हैं, राजनीतिक रूप से अपरिपक्व लोग हैं, राजनीतिक रूप से एक परिपक्व विपक्ष आना चाहिए। आपका कहना है कि ये राजनीतिक रूप से अपरिपक्व हैं। और अपर्णा जी, आपके अगर कोई सवाल है तो ठीक, नहीं तो हम लोग आगे समापन की ओर चलेंगे। नहीं सर, आज के लिए बहुत अच्छी जानकारी सर ने दी और बड़ा अच्छा रहा, तो मेरे तरफ से बस इतना ही, दो ही प्रश्न थे, बाकी हमारे पास क्योंकि ट्वीट पे चर्चा हो रही है, तो एक मुद्दा तो आपने पूछ लिया, दूसरा नहीं पूछा, ये जो हजारों साल की गुलामी तो मूर्खता है और झूठ है, और ये 20वीं शताब्दी में रचा गया झूठ है, इलिया टेन डाउसन की किताब में उन लोगों ने शुरू में लिखा है कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं
उनका मजाक उड़ाते हैं हिंदू लोग, नौकरी हमारे यहाँ करते हैं और दिन भर अपने राजाओं रानियों की तारीफ करते रहते हैं और कहते हैं ये चले हैं राजा बनने, ये तो हमारे गुमास्ता की तरह भी नहीं है और हमारी राजा इतने अच्छे थे, हमारी रानी ऐसी थी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो हम इन हिंदुओं में हीनता लाने के लिए एक इतिहास के नाम पर एक हिस्ट्री बुक लिखेंगे जिसमें कि ये दिखाएंगे कि तुम मुसलमानों से बहुत पिटे हो, तो तुम क्या हम पे आँख दिखाते हो। फिर उन्होंने इस पर विज्ञापन दिया, बड़ा लंबा किस्सा है, उनको भारत में कुछ भी नहीं मिला ऐसा। तो इन्होंने अच्छा, उस समय ये पादरी और कंपनी के लोग सब साधारण व्यापारी थे जो ठगी लूट डकैती सब करते थे। अब ये तो विश्वविदित तथ्य है, ये मैं कोई विवादास्पद कल्पना की बात नहीं कह रहा हूँ। तो इनको उन्होंने फैब्रिकेट किया, इनको जब कुछ नहीं मिला तो इन्होंने कहा कि हमको तुर्की में एक किताब लिखी है मिली है, तो ऐसी सब किताबें बता दें कि जो उसकी एक ही पांडुलिपि मिली है, ऐसी अद्भुत किताब इनको मिली और उसके आधार पर इन्होंने काल्पनिक किस्से रचे। जैसे कासिम जो है वो 17 वर्ष का एक लड़का था, 21वें वर्ष में मर गया और दाहिर यानी सिंध का राजा बहुत प्रतापी राजा था, इन्होंने कह दिया वो सारे सिंध को जीत लिए। और फिर खुद ही इलियट एंड डाउसन ने ही लिखा है कि 17वीं शताब्दी तक 16वीं शताब्दी के अंत तक सिंध में हिंदुओं का राज्य था। तो परस्पर विरोधी चीजें लिखी हैं, तो कम्युनिस्टों ने उसमें से वो अंश ले लिए जो उन्होंने झूठ हिंदुओं के विरुद्ध लिखा था। अगर इलियट एंड डाउसन को भी लेना है तो पूरी किताब लो, तो उसमें हिंदू धर्म की जबरदस्त प्रशंसा है, हिंदू राजाओं की, हिंदू शक्ति की, हिंदू सेना की, वो नहीं लिया। तो ये बदमाशों के द्वारा रची गई गप्पें हैं जो कांग्रेस के द्वारा पाठ्य पुस्तक बनाकर कचरा पढ़ाया जाता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उस कचरे को फेंक देना चाहिए और कुछ प्रामाणिक इतिहास का ज्ञान करना चाहिए। भारत कभी गुलाम नहीं रहा एक भी दिन, मेरी तो पुस्तक ही है, कभी भी पराधीन नहीं रहा है भारत, है ना। और ये हिंदू मुस्लिम साझा शासन है और ब्रिटिश शासन को तो स्वयं ऑक्सफोर्ड अब लिख रहा है कि ये भारतीयों का और अंग्रेजों का साझा शासन है। भारत की सेना है, भारत के प्रशासक हैं, भारत के बैरिस्टर हैं, भारत के कुछ जज विवाद में बने हैं। ऐसा कोई गुलामी होती है क्या? और अगर संधि के कारण गुलामी होती है तो भारत, सारी दुनिया इस समय, दुनिया के बहुत से देश गुलाम है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सबकी संधि है। आप ह्यूमन राइट्स से बंधे हैं, बहुत सारे कानूनों से बंधे हैं, है ना, व्यापार में, ह्यूमन राइट्स में, मानवाधिकार में, श्रम संबंधी कानून में, अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संधि है। तो क्या हम संयुक्त राष्ट्र संघ के गुलाम हैं? तो अंग्रेजों से भारतीय राजाओं ने, अच्छा आधा भारत तो स्वतंत्र था, राजाओं की संधि थी। आखिर इंदौर, बड़ौदा, ग्वालियर, त्रावणकोर, कोचीन, मैसूर, रीवा, ये भोपाल, रामपुर, ये कब गुलाम रहे? ये अंग्रेजों के अधीन थे क्या? केवल संधि ही थी ना, अभी 1947 तक ये सब राजा थे भारत के। हमारे रीवा के लोगों ने तो कभी अंग्रेजों को देखा ही नहीं, वो अपने राजा ही को जानते हैं। यही हाल ग्वालियर का है, यही भोपाल का है, यही इंदौर का है, यही त्रावणकोर कोचीन का है, मैसूर का, बहुत सारे 100 से अधिक राज्य हैं जो अच्छे बड़े राज्य हैं। तो गुलाम नहीं कहते इसको। दूसरा, फिर भाषा, वही बात है कि ये तो हमें ग्लानि भरने के लिए हमारे शत्रुओं ने भाषा रची है, हमको सत्य हमारे पक्ष में है तो हम कभी गुलाम नहीं रहे हैं। हिंदू मुस्लिम साझा शासन रहा, क्योंकि देखिए स्वयं औरंगजेब तक के साथ यहाँ के नरेश थे, जोधपुर के नरेश, और साथ ही वो राठौर भी थे, उदय सिंह राठौर, यानी शिवाजी से मुख्य लड़ाई तो राठौर और उनकी हुई है ना, जोधपुर नरेश की, जसवंत सिंह की, महाराज जसवंत सिंह से हुई है, औरंगजेब के सेनापति महाराज जसवंत सिंह हैं और वो उदय सिंह है। हिंदू राजाओं से ही काम ले रहे हैं सारे मुस्लिम शासक। तो जो आपका सेनापति हिंदू है, आपका कोषाध्यक्ष हिंदू है, आपके बड़े अधिकारी हिंदू हैं, तो उसको मुस्लिम शासन कैसे कहेंगे? और फिर पैचेस में हैं, जिन्हें मुगल शासन कहते हैं, वो मुख्यतः दिल्ली से आगरा के बीच की टुकड़ी में एक राज्य है और बाकी सबसे उनकी संधि है। तो आप कह देते हैं वो है। उसने कह दिया हिंदुस्तान का बादशाह, तो आपने भी कह दिया वाह वाह। और वो बाबर यहाँ वहां भटकता हुआ 4 साल जाके मर गया, वो भी भारत का, हिंदुस्तान का बादशाह है, अरे वाह, जरा पढ़ो तो। और बाबर नामा झूठी कृति है, बाबर नामा, जहांगीर नामा सब झूठी कृतियां हैं, अंग्रेजों ने रची। अगर वो भारत की होती तो भारत में मिलती, कोई पर्शिया में मिल रही है, कोई तुर्की में मिल रही है और उसकी एक एक प्रति मिल रही है और वहां बंद है, कोई ऑक्सफोर्ड के, कोई वहां पेरिस के संग्रहालयों में बंद है और फिर उसके 19वीं शताब्दी ईस्वी में जाकर उसके प्रिंट छप रहे हैं। तो सब इतिहास पुनर्लेखन होना तो चाहिए ही, लेकिन इतिहास के रूप में लिखा जाना चाहिए। ये तो गप्पें जो मारी है कम्युनिस्टों ने और मुसलमानों ने मिलकर, उस अलीगढ़ के लोगों ने जो गप्पें मारी हैं वो कचरा है, वो इतिहास सही नहीं है। और हजारों साल की गुलामी एक झूठ है। आपको कुछ हजारों साल में क्या होता है ये आँख, अच्छा मान लीजिए आप कुछ नहीं पढ़े,
हम मान लेते हैं कि भाजपा के लोग पढ़े लिखे नहीं है इतिहास के विषय में, अनपढ़ हैं, तो अकल तो है। आप बताइए कि जहां हजारों साल मुसलमानों का शासन रहा वहां एक भी गैर मुसलमान बचता है क्या? अरब में, ईरान में, इराक में, तो भारत में कहां से बचा है अगर मुस्लिम शासन था? तो कोई सहज अकल ले लो। मुसलमानों और ईसाइयों का जहां जहां पूर्ण राज्य रहा है वहां उन्होंने गैर मुस्लिम या गैर ईसाई रहने ही नहीं दिया है। भारत में 120 करोड़ हिंदू हैं शान से। अरे तो कितने गर्व की बात है, आप उसको गुलामी गुलामी कह के हिंता पैदा कर रहे हैं। उन्होंने योजना पूर्वक हिंदुओं में हिंता पैदा करने के लिए गप्पें गढ़ी, तो कम से कम नहीं जानते तो बोले नहीं। भारत के प्रधानमंत्री अत्यंत श्रेष्ठ हैं, सब प्रकार से सबके द्वारा वंदनीय हैं, अभिनंदनीय हैं, उनको ऐसा झूठ क्या जरूरत है बोलने की? ऐसा एक भी राज्य नहीं है जिसमें केवल मुसलमान ही सेनापति भी हो, मुसलमान ही कोषाध्यक्ष भी हो, मुसलमान ही सब उनके दरबार में हो, नहीं, सब जगह हिंदू लोग दरबार में हैं, तो वो कैसे मुस्लिम शासन होगा? मुस्लिम शासन धीरे धीरे और भी चीजों में बदलाव आ रहा है, जैसे शब्दों में बदलाव आ रहा है। अब जैसे झारखंड में, झारखंड की बात करते हैं, तो यहाँ पर कहा जाता है कि विद्रोही, जैसे बिरसा मुंडा विद्रोही या तिलका मांझी विद्रोही, तो इन शब्दों को गढ़ा गया है कि लोग भी अब बोलचाल की भाषा में इतना दिमाग में घुस गया कि हमने विद्रोह किया था, हमने उसको बदलना पड़ेगा। मैंने साहित्य में बहुत लिखा है, निराला को भी विद्रोही कहते थे ये प्रगतिशील, तो मेरे मेरा लेख है दृष्टा को विद्रोही कहना पाप है, है ना? जो आत्मगौरव के साथ है और अपने लिए लड़ रहा है उसको विद्रोही कहना पाप है। बिल्कुल, जो संघर्ष कर रहा है, जो अपने भारत माता को बचा रहा है, और उसको विद्रोही कहना, हमें लगता है कि हमें उनकी पुरुषार्थ का अपमान करना है। हाँ, वो तो धर्म योद्धा है, तेजस्वी वीर शूरवीर है, तो धीरे धीरे सुधार होगा। सुधार के लिए ही मैंने ये कहा है, क्योंकि मैं तो परम प्रशंसक हूँ मोदी जी का, लेकिन ऐसे पॉइंट्स पर टोकना जरूरी है सुधार के लिए। और अच्छे अच्छे मार्गदर्शक का काम भी यही होना भी चाहिए कि जहाँ अच्छाई है उसको खुलकर बोलें और जहाँ गलतियां हैं उन्हें भी सुधारने का प्रयास करें। तो जैसा कि इस कार्यक्रम में आपका आना हुआ और हम लोगों ने एक बहुत बेहतरीन चर्चा किया, कल के मोदी जी के भाषण पर हम लोगों ने चर्चा किया, उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग विषयों में गए, थोड़ा सा इतिहास भी हमने जाना, आपने जो ट्वीट किया, आपने जो मोदी जी को सुझाव दिया, उस सुझाव को लेकर के भी चर्चाएं हुई। इस बीच में बहुत सारी बातें आई, जैसे भारत में विपक्ष को मजबूत विपक्ष होने की जरूरत है, मोदी जी ने पूरे विपक्ष को के साथ खेलने का काम किया, उनको बच्चे की तरह से, और इसके साथ ही विपक्ष की अमर्यादित भाषाओं पर भी चर्चा हुई, उनकी अनैतिक हरकतों पर भी चर्चाएं हुई, उनके भागने को लेकर के चर्चा हुआ, मणिपुर पर चर्चा हुआ, और भी अन्य अन्य कई विषयों पर हम लोगों ने चर्चा किया, और बहुत ही बेहतरीन चर्चा हुआ, जो मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी, हर एक व्यक्ति को सुनना चाहिए, और बहुत सारी चीजें इसमें जानने को मिलेंगी और समझने को मिलेंगी। हम अभी रामेश्वर मिश्र पंकज जी का हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और साथ ही स्वतंत्र पत्रकार अपर्णा झा जी को भी हम आभार व्यक्त करते हैं, और हमारे चैनल को हमारे दर्शक सब्सक्राइब करें, और हमारे अगर इस स्टोरी को अच्छी लगी हो या चर्चा अच्छा लगा हो तो लोगों के बीच शेयर भी करें। धन्यवाद, आभार। धन्यवाद आप सभी का, आभार। नमस्ते।